चीनी पुलिस ने पहले बुलाया नेपाली नागरिक को फोन करके तिब्बत, और फिर क्या किया है जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कुवैत में लग गया है भीषण आग, 40 से ज्यादा भारतीय मारे गए और ये एक बड़ा ही अजीब विषय बन गया है। आखिरकार चल क्या रहा है, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं तो ये दुर्घटना किस तरह की है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के सांसद राजेंद्र बजगैन ने एक दावा किया है, स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं जिस वीडियो में वो संसद में बोलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राजेंद्र बजगैन पहले भी बहुत चर्चा में आए थे और ये चर्चा में तब आए थे जब पोखरा एयरपोर्ट को लेकर इन्होंने सामने रखा था कि आखिरकार हमारी कमाई क्या हो रही है, हमने इतना सारा पैसा लगाया है। तो राजेंद्र बजगैन जब बोलने के लिए उठते हैं तो चाइना के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत खुल्लम खुल्ला बहुत सारी बातें सामने रख देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि चीन ने तिब्बत के सुरक्षा अधिकारियों से उत्तरी गोरखा जिले के रहने वाले दो नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार करवाया है। बजगैन ने मंगलवार को संसद में कहा कि तिब्बती पुलिस ने उत्तरी गोरखा के दो युवकों राम के लामा और कर्मा चेदेन को लगभग एक महीने पहले गिरफ्तार किया था, उनके ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोरखा के सांसद बजगैन ने कहा कि तिब्बती सुरक्षा अधिकारियों ने गोरखा के दो युवकों को हिरासत में लिया था, लेकिन सरकार को कोई जानकारी नहीं है, मैं सरकार और विदेश मंत्रालय से जवाब मांगता हूं। सांसद बजगैन ने लिखा कि कथित तौर पर मनमाने ढंग से गिरफ्तारी इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर तिब्बतियों को भागने में मदद की थी, लेकिन आपको आश्वस्त करने के लिए हम यहाँ चीन के खिलाफ नहीं खेलते हैं और उन्हें अपने करीबी पड़ोसी के रूप में सम्मान देते हैं, हम केवल हिमालयी सीमा के भीतर बेहतर माहौल के लिए बोल रहे हैं। संसद में बजगैन ने कहा कि लगभग डेढ़ महीने पहले उन्हें नेपाली युवाओं का एक कॉल आया था, ये फोन तिब्बतियों द्वारा किए गए थे जिन्हें तिब्बती अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। फोन कॉल प्राप्त करते समय उन्हें तिब्बत आने के लिए कहा गया, फिर वहां पहुंचने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार को इस घटना की जानकारी नहीं है, कोई नहीं जानता है कि वो कैसे हैं, वे जीवित हैं या नहीं है, मैं इस घटना के बारे में विदेश मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये पूरा संसद में उन्होंने बोला है। हालांकि ये बेहद डरावना है कि किसी और देश के नागरिक को इस तरीके से बुलाकर फिर वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन न होना, ये सचमुच में बेहद डरावना है। आगे इन्होंने एक और बात उठाई, इन्होंने कहा कि विवादास्पद पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का मामला भी उठाया, जिन्होंने नेपाली नागरिक के रूप में 8 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की और अब सरकार पर वो ट्रैकिंग रस्सियां काटने का आरोप लगा रहे हैं और नेपाली नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ले ली है। बजगैन ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों ने नेपाल और उसकी अखंडता को बदनाम किया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा नेपाल को बदनाम किए जाना एक गंभीर मुद्दा है जिसे सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खैर, अब ये जो तिब्बत का मामला है, दरअसल इस मामले को साधारण भाषा में समझिए, कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे तिब्बती हैं जो चाइना के वजह से परेशान होकर तिब्बत से भागना चाहते हैं, तो जब वो भागना चाहते हैं वो नेपाल का सहारा लेते हैं और नेपाल के रास्ते से वो तिब्बत से भागते हैं। कहा जा रहा है इसी क्रम में चाइना ने तिब्बतियों को पहले पकड़ा और जब तिब्बतियों से ये राज पता चला फिर कौन है जो ये सारा खेल रचता है, और जिसके बाद फोन करके उन्हीं तिब्बतियों के द्वारा बुलवाया गया और उसके बाद से उनका कोई ठिकाना नहीं है। पर यह सचमुच में बहुत ज्यादा डराने वाली बात है। हालांकि जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत और कुवैत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, पर अचानक से कुवैत में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में धूं धूं जलता हुआ एक पूरा का पूरा बिल्डिंग दिख रहा है आपको। कुवैत एक ऐसा देश जहां बड़ी संख्या में बाहर से लोग काम करने के लिए आते हैं, भारतीयों की संख्या भी यहां बहुत ज्यादा है। पहले तो करीब करीब 70% तक
ऐसा होता था कि बाहर से ही लोग आते थे और कुवैत का सारा काम करते थे, पर हाल फिलहाल में बहुत इन्होंने कम कर दिया है। अब लगभग 30% लोग हैं जो बाहर से इनके देश में आते हैं और काम करते हैं, जिसमें भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है। अब ये जो बिल्डिंग में आप आग देख रहे हैं, इस आग में कहा जा रहा है कि करीब 40 भारतीय हैं जो जलकर खाक हो चुके हैं, मर चुके हैं। हालांकि इनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग में 160 लोग रहते हैं। अब ये आग कैसे लगी इसको लेकर कोई खास जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि शायद ये किचन से आग भड़की और ये आग फिर पूरी फैलती चली गई। कुवैत के मंगाफ शहर में बुधवार सुबह एक इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई है और जिस इमारत में ये आग लगी है उसमें भारतीय मजदूर खचाखच कथित तौर पर भरे हुए थे। 40 भारतीयों की जान गई है तो 30 घायल हुए हैं और इन घायलों का अल अदान अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुवैत में भारत के राजदूत ने अस्पताल का दौरा किया, घायलों का हाल चाल जाना। उन्होंने घायलों को दूतावास की तरफ से हर तरह का मदद का आश्वासन भी दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं शॉक्ड हूं कि ऐसी बड़ी घटना हो गई है। अब ऐसी शॉक्ड होने के पीछे बड़ी वजह है, इसलिए वजह है क्योंकि कुवैत कोई छोटा मोटा देश नहीं है और कुवैत काफी अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करता है। ऐसे में ये घटना हुई है। अब आप देख सकते हैं इस मामले के बाद कुवैत के गृह मंत्री डिप्टी पीएम ने अलग अलग बयान जारी किए। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने पुलिस को बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इमारत के गार्ड और इमारत में रहने वाले मजदूरों के लिए जिम्मेदार कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जाए। कुवैत के डिप्टी पीएम फहद यूसुफ अल सबा ने भी घटनास्थल का दौरा करने के बाद जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने अग्निकांड वाली जगह का दौरा करने के बाद अपने बयान में कहा कि आज जो हुआ है वो कंपनी और भवन मालिकों के लालच का नतीजा है। मैंने कुवैत नगरपालिका और सार्वजनिक प्राधिकरण को इसी तरह नियमों के विरुद्ध बनी इमारतों पर तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। कंपनी ने अपने लालच में बड़ी संख्या में श्रमिकों को एक आवासीय भवन में ठूस दिया। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए सभी सुरक्षा आवश्यकताएं लागू हों, भविष्य में इस तरह की घटना न हो। इस इमारत में लगभग 160 लोग रहते थे जो एक ही कंपनी के कर्मचारी थे। इस इमारत से 90 भारतीयों को बचाया भी गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग एक फ्लैट के किचन से शुरू हुई और पूरी इमारत में फैल गई। मेजर जनरल रशीद अहमद ने कहा कि इस घटना की सूचना 6 बजे अधिकारियों को दी गई। इसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो पाया है। इमारत में ज्यादातर रहने वाले लोग दक्षिण भारत के लोग हैं जो वहां पहुंचे हैं, काम के तलाश में पहुंचे हैं। कुवैत और भारत के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों देश युद्धाभ्यास वगैरह भी करते हैं। पर अब यहां पर ये जो खतरनाक चीज हुई है उसके बाद कई तरह के प्रश्न हो रहे हैं, चूंकि ये संयोग भी हो सकता है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह की दुर्घटना भारतीयों के साथ हुई है, तो कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। वैसे आपकी कुवैत के बारे में क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।